लोकपाल विधेयक को पारित कराने की कांग्रेस की मुहिम हुई फिर से तेज। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। भाजपा ने समर्थन का आश्वासन देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर बाधा डालने का लगाया आरोप। संशोधित लोकपाल विधेयक पर अन्ना हजारे का रुख नरम। विधेयक की तारीफ करते हुए किया स्वागत। केजरीवाल ने कहा अन्ना को किया जा रहा है गुमराह। दिल्ली में सरकार बनाने पर गतिरोध जारी। आम आदमी पार्टी ने मांगा 10 दिन का वक्त। भाजपा कांग्रेस के सामने रखी 18 शर्तें। उपराज्यपाल नजीब जंग ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का अंतिम संस्कार आज। मंडेला के शव को उनके पैतृक गांव कुनू लाया गया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 63वीं पुण्यतिथि आज। देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किया जा रहा है उन्हें याद। और जूनियर विश्व कप हॉकी के फाइनल में आज फ्रांस और जर्मनी के बीच मुकाबला। पाकिस्तान से 4-2 से हारने के बाद भारत को मिला 10वां स्थान।